और बिना किसी औपचारिकता मंत्र के आज के अपने वक्तव्य प्रचलन के प्रभाव पर अपने विचार रखूंगा। अरे ये क्या दुआ ही दुआ प्रदूषण बहुत है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रदूषण है क्या, प्रदूषण के क्या कारण पर्यावरण संतुलन में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी समस्या जो केवल मनुष्य को नुकसान ही नहीं पहुंचाती है बल्कि प्रकृति को एक गंभीर करने में इसकी अहम भूमिका है। साल दर साल बढ़ती जा रही है कारों की संख्या और वही बढ़ रहा है प्रदूषण, वही प्रदूषण जिसके कारण दुनिया का फेफड़े कहे जाने वाले एमेजोन के जंगलों में आग लगती है, वही आग जिस पर इंसान काबू तो नहीं रख पाया। हाँ प्रत्येक रूप से काबू नहीं रख पाया पर काबू जरूर कर सकता है वायु प्रदूषण को कम करके, पेड़ पौधे लगाकर और यातायात का साधनों का कम प्रयोग करके। मेरे देश के किसान अधिक पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी खरपतनाशी और HBY जैसे रसायनों का इस्तेमाल करके खेती की जमीन को बदहाल कर रहे हैं। वही एक समय था जब प्रकृति खेती की जमीन को एक नई जिंदगी प्रदान करती। अब बात करते हैं जल प्रदूषण। मेरे देश की पवित्र कही जाने वाली गंगा और यमुना जैसी नदियां आज सिर्फ एक गंदे पानी का नाना बर्तन बनकर रह गई है। महोदय जल प्रदूषण सिर्फ जल में रहने वाले जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हर मनुष्य के लिए हानिकारक है। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने देश का आमजन हो या देश का प्रधानमंत्री। कुछ तुम बदल कर देखो कुछ हम बदल कर देखे, कुछ तुम बदल कर देखो कुछ हम बदल कर देखे, जैसे भी हो ये दिलों के मौसम बदल कर देखे। ये आईने क्या बदलेंगे सूरत अपनी, आओ हम अपनी सूरत खुद बदल कर देखें। महोदय अगर मैं बात करूं ध्वनि प्रदूषण की तो कहां गई वो जनहित की जिम्मेदारी कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलेंगे, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। यह सीमित रह गई है सिर्फ उन कानों तक जिन कानों में 13 साल की उम्र में ईयर मशीन लग गई। इसी का कारण है कि ध्वनि प्रदूषण आज सिर्फ 5वीं क्लास के बच्चे को भी साफ साफ सुनाई नहीं देता। मेरे देश की सरकार द्वारा कानून बनाना ही इसका समाधान नहीं है बल्कि जब हर व्यक्ति इन समस्याओं को अपने दायित्व को समझेगा तभी एक सुंदर और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण संभव है। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि गरज बरस प्याजी धरती को पानी दे मोला, कि गरज बरस प्याजी धरती को पानी दे मोला, चिड़िया को दाना बच्चों को गुड़धानी दे मोला। दो और दो का जोड़ हर बार चार कहाँ होता है, दो और दो का जोड़ हर बार चार कहाँ होता है, इन सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मोला।